नमस्कार मित्रों, केम छो। आज हम जो है बात करने वाले हैं वर्क सूट टूल को जो है वो कैसे हम सेटअप करते हैं और कैसे जो है वो इसे इंस्टॉल करते हैं। अगर आप जो है वो लिनक्स यूज करते हो और उस लिनक्स में समझो आपको काली लिनक्स या फिर पैरट ओएस जैसा आप डिस्ट्रो यूज करते हो तो उसके अंदर जो है वर्क सूट का कम्युनिटी एडिशन जो है वो तो फ्रीली इंस्टॉल ही आता है, मतलब वो प्री इंस्टॉल आता है। आप नॉर्मली टर्मिनल में जाके आप वर्क सूट टाइप कर दोगे तो वो डायरेक्टली वर्क सूट को ओपन कर देगा। और अगर आप जो है विंडोज यूज करते हो तो आप आगे ये जो वीडियो है उसे पूरा कंप्लीट देखो, तो आप मैं इसमें बताने वाला हूँ कि हम उसे कैसे जो है वो इंस्टॉल करते हैं और जो है वो हम कैसे उसे सेटअप करते हैं। तो मेरा नाम है कृतिक, आप देख रहे हैं टेक्निकल मोटा भाई। हालो चालू करिए। तो मित्रों, सबसे पहले तो हम ये जो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो है हम आ चुके हैं, तो इसके अंदर हम देखेंगे सबसे पहले कि ये जो वर्कशीट टूल जो है उसे हम कम्युनिटी एडिशन जो है उसे हम कैसे डाउनलोड करते हैं। हालांकि इसमें प्रो वर्जन भी आता है जिसे हमें जो है वो परचेस करना पड़ता है। तो हम ये जो पूरा ट्यूटोरियल है जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो वर्कशीट टूल है उसमें क्या कितने टाइप्स होते हैं, कितने फंक्शंस होते हैं, वो सब फंक्शंस के काम क्या होते हैं और उसके अंदर हम डिटेल में जो है पूरा जानने वाले हैं कि वर्कशीट टूल पूरा जो है वो कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम जो है हम जाते हैं हमारे गूगल में, एज यूजुअल हम वहाँ पे टाइप करेंगे वर्कशीट डाउनलोड, और जो पोर्ट फिगर का जो वेबसाइट है, जो उसका ऑफिशियल वेबसाइट है बॉब सूट का, वहां पे हम जाके जो है वो कम्युनिटी एडिशन जो है डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन, और फिर हम जो है यहाँ पे आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आप सिलेक्ट कर सकते हो, विंडोज लिनक्स जो भी है आपका, और कम्युनिटी एडिशन। अगर आप प्रो पे सिलेक्ट करोगे तो आपको उसकी जो परचेसिंग जो है वो आपको देनी पड़ेगी। यहाँ पे हम डाउनलोड कर लेते हैं, हालांकि मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है तो मैं झट से उसको ओपन कर लेता हूँ। मैंने रखा था वर्कशीट टूल, तो यहाँ पे जो है मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। हालांकि ये 175 MB का ही टूल है, लेकिन कभी कभी बहुत टाइम लेता है डाउनलोड करने के लिए। तो अगर हमें ये इंस्टॉल करना है तो आपको तो सीधी बात पता ही होगा, क्लिक क्लिक क्लिक, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और हम डायरेक्टली इसे इंस्टॉल कर सकते। तो चलो हम देखते हैं इसका पूरा वॉक थ्रू की कैसे इंस्टॉल होता है। हालांकि मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा ताकि ये फटफट जो वो इंस्टॉल हो जाए। तो अभी हमारा ये जो टूल है वो इंस्टॉल हो चुका है, तो हम यहाँ पे फिनिश क्लिक करके हम वर्कशीट को यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। स्टार्ट मेनू पे टाइप करके वर्कशीट कम्युनिटी एडिशन हम जो है वो ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे फिर हम एक्सेप्ट करते हैं इसके टर्म्स एंड कंडीशंस, और यहाँ पे जो है हम प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि अगर आप जो है वो प्रो वर्जन अगर आपने सिलेक्ट किया है, मतलब आपने परचेस किया है अगर, तो आप जो आपका प्रोजेक्ट जो है उसे आप सेव भी कर सकते हो। हालांकि कम्युनिटी एडिशन में हम टेम्पररी प्रोजेक्ट जो है उसे सेव नहीं कर सकते, सेव करने के लिए आपको जो है प्रो वर्जन ही लेना पड़ेगा। हम यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट करके हम वर्कशीट को जल्दी से ओपन कर लेते, फिर मैं आपको बताऊंगा कि उसे हम जो सेटअप कैसे करते हैं। हालांकि ये जो नया वर्कशीट है, नए वर्कशीट में जो सेटअप करने का एक बहुत इजी वे उन लोग ने दिया। हम डायरेक्टली एक इंटीग्रेटेड ब्राउजर दिया उन लोग ने, क्रोमियम का ब्राउजर जो इंटीग्रेटेड, हम डायरेक्टली वो ब्राउजर को भी एक्सेस करके हम हमारा जो टेस्टिंग है या फिर हम जिसके लिए भी वर्कशीट को यूज कर रहे हैं हम उसे यूज कर सकते हैं। अगर आपको ब्राउजर ओपन करना है तो हम यहाँ पे प्रॉक्सी पे जाके ओपन ब्राउजर पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली वो जो क्रोमियम का इनबिल्ट ब्राउजर है वो ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम जो ये रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट कर सकते हैं और हम उसे फॉरवर्ड वगैरह या जो भी हमें करना है हम इजीली कर सकते हैं। और अगर आपका ये ब्राउजर क्लोज हो जाता है तो हम यहाँ से इसके प्रॉक्सी के अंदर इंटरसेप्ट टैब के अंदर हम ओपन ब्राउजर पे क्लिक करके हम ब्राउजर को ओपन कर सकते हैं। और अभी हम समझते हैं कि समझो हमें जो है वो उसका ब्राउजर यूज नहीं करना, हमें जो हमारा खुद का मोज़िला फायरफॉक्स है वो यूज करना है। हालांकि बहुत सारे ऐसे टूल्स या स्क्रिप्ट्स होती है जो मोज़िला में ही चलती है और वर्कशीट में नहीं चलती, तो हम उसके लिए जो है मोज़िला यूज करते हैं नॉर्मली। तो उसके लिए जो है हमें यहाँ पे प्रॉक्सी में ऑप्शंस में जाके हमें ये चेक करना होगा कि ये जो है हमारे लोकल होस्ट के 8080 पोर्ट में ही लिसन कर रहा है। हालांकि बाय डिफॉल्ट वही रहता है, लेकिन एक बार चेक करना जरूरी है। और फिर हमारे मोज़िला के अंदर हम यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर जाके हम एक्स वाई डाल सकते हैं या फिर हम जो है वो नेटवर्क के सेटिंग्स डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे जनरल में अगर हम नीचे जाएंगे, यहाँ पे जो है वो नेटवर्क सेटिंग्स होते हैं, यहाँ पे हम क्लिक करके मैनुअल प्रॉक्सी सेटिंग करके हम इसकी पूरी जो ट्रैफिक होती है उसे हम जो है वो रिडायरेक्ट कर देंगे हमारे बब के अंदर। ठीक है, ये हमारा हो गया सेटअप हमारे मोज़िला फायरफॉक्स का। हमने यहाँ पे ये सेटअप कर दिया ताकि हमारी मोज़िला की जितनी भी ट्रैफिक होगी वो डायरेक्टली जाएगी हमारे वर्कशीट के अंदर। और फिर हम यहाँ पे डालेंगे HTTP वर्क। ये क्या करेगा, ये चेक करने के लिए कि हमारा कनेक्शन जो है वर्कशीट के साथ है या नहीं। और अगर आप जो है वो SSL वेबसाइट यूज करने वाले हो आपके टेस्टिंग के अंदर, तो आपको जो है वो
एक सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना होगा बॉब सूट का, जिसके थ्रू क्या होगा कि आप SSL वेबसाइट्स को भी इजीली आप बॉब के अंदर इंटरसेप्ट करके आप उसमें जो है वो टेस्टिंग कर सको। तो ये फाइल को आपको ये CA सर्टिफिकेट पे क्लिक करके सेव करना होगा और फिर उसी फाइल को हमें जो है वो मोजिला के अंदर इंस्टॉल करना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे ऑप्शंस में वापस जाएंगे, यहाँ पे सर्च में CER दबाएंगे तो ये सर्टिफिकेट्स का जो है हमें इजीली मिल जाएगा। उसके बाद जाके हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट के अंदर ही हमने ये डाउनलोड किया था सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे हम डबल क्लिक करके यहाँ पे ट्रस्ट का हम ऑप्शन दे देंगे ताकि वो वेबसाइट्स और ईमेल यूजर्स को भी ट्रस्ट कर सके। मतलब SSL की अगर वेबसाइट रहेगी तो हम इजीली उसे देख पाएंगे, मतलब इंटरसेप्ट कर पाएंगे। ओके कर देंगे तो ये जो है वो इसमें पोर्ट फिगर के नाम से ये जो है वो इसमें इंस्टॉल हो जाता है। हालांकि मैं आपको बता ही देता हूँ, ये रहा पोर्ट फिगर CA, मतलब पोर्ट फिगर का ये सर्टिफिकेट इसमें जो इंस्टॉल हो गया। तो अभी हम इजीली कोई भी वेबसाइट्स को जो हम इंटरसेप्ट कर सकते हैं जो SSL को यूज करती हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम गूगल को एक्सेस करते हैं जो एक SSL वेबसाइट है। तो हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम इजीली इसे जो है वो इंटरसेप्ट कर पा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये जो बर्ब सूट का इंस्टॉलेशन और सेटअप का जो प्रोसीजर है वो आपको पता चल गया होगा कि हम कैसे करते हैं इंस्टॉल और हम जो है उसे कैसे सेटअप करते हैं हमारे कोई भी ब्राउजर के अंदर। और फिर हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे कि ये जो टैब्स होती है, जैसे कि ये डैशबोर्ड है, ये टारगेट टैब है, उसके अंदर क्या होते हैं और उसके अंदर जो ये फंक्शंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्कोप्स क्या होते हैं, इन सब चीज़ के बारे में हम जो है बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अगर आपको कोई भी सवाल या फिर कोई भी सुझाव है तो आप नीचे एज यूजुअल कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फट से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही टेक्नोलॉजीज के ऊपर वीडियोज़ बनाते रहता हूँ। तो फिलहाल के लिए इतना ही, आओ जो